पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता के दौरान मिले मीडिया को पत्र का मामला, विधायक के खिलाफ लिखा गया पत्र बना नगर में चर्चा का विषय। दरअसल बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बिना आए थे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय महासचिव के नाम एक पत्र जिसमें बिना विधायक के खिलाफ लिखा गया था जो मीडिया के हाथ लग गया और चुनाव से संबंधित बातें उस पत्र में विधायक महेश राय के खिलाफ लिखी थी। पत्र राष्ट्रीय महासचिव के हाथ तो नहीं लगा लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के हाथ लग गया और देखते ही देखते पत्र की खबर नगर में चर्चा का विषय बन गई, जिसको लेकर आज भाजपा अंत्योदय समिति सदस्य राजाबाबू यादव ने मीडिया से चर्चा की तो उनका कहना है कि यह पत्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया और ना ही यह राइटिंग मेरी है और ना ही मेरे दस्तखत हैं, यह मुझे बदनाम करने की नीयत से किया गया है। बहरहाल इस पत्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पत्र किस उद्देश्य से लिखा गया है और इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। अभी तक जो पद पे रहा हूँ नगर ग्रामीण में, मैंने कभी लेटर पैड ही नहीं छपवाए। किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं ऐसी छोटी मानसिकता से काम नहीं करता हूँ। मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और विधायक जी से हमारी कोई ऐसी बुराई भी नहीं है कि हम उनके बारे में कोई चीज़ लिखें। अगर कोई बुराई होगी तो हम उनके घर जाके उनसे बता भी सकते हैं। ऐसे हमारे उनसे संबंध है कि हमें उनसे कोई बुराई शिकवा नहीं है। तो क्या लगता है आपके लिए कौन हो सकते हैं? अब ये तो चुनाव आ रहे हैं तो ये तो नॉर्मल ही बातें हैं कि लेटर पेड छपवा के वो कोई भी लिख सकता है किसी के भी नाम का। मतलब आपका ये पत्र नहीं? हमारा ना पत्र है ना हमारे दस्तखत है ना हमारी राइटिंग है।